जय हिंद मित्रांनो, मिशन सिटी टी सरावासाठी टेस्ट सिरीज मधल्या पेपर क्रमांक 2 जो की आपण 6वी ते 8वी या वर्गासाठी घेतला होता त्याच्या पेपर क्रमांक 4 मधील जे विज्ञान विषयाचे 30 प्रश्न आहे त्या 30 प्रश्नांच्या स्पष्टीकरणाच्या व्हिडिओमध्ये मी सर्वांचं मनापासून स्वागत करत आहे। परंतु तत्पूर्वी आपण जर चॅनलवर नवीन असाल तर आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा, साईडचं जे बेल आयकॉन आहे त्याला देखील प्रेस करा, जेणेकरून शिक्षक भरतीच्या संदर्भामधल्या कोणत्याही माहितीचे अपडेट आपल्याकडून मिस होणार नाही। आणि मित्रांनो, आपल्याला जर काही सरावासाठी मिशन सिटीची टेस्ट सिरीज जॉईन करायची असेल ज्याच्यामध्ये तुम्हाला जे आहे पेपर 1 आणि पेपर 2 पाच पाच प्रश्नपत्रिका PDFच्या स्वरूपामध्ये त्याची अन्सर की त्याचबरोबर प्रत्येक प्रश्नाचा व्हिडिओच्या माध्यमातून स्पष्टीकरण मिळणार आहे तेही अगदी माफक दरामध्ये। आपल्याला जर काही या बॅचमध्ये जॉईन करायचं असेल तर स्क्रीनवर आपल्याला जो नंबर दिसत आहे त्या नंबरशी संपर्क करा आणि आजच ही जी टेस्ट सिरीज आहे ती जॉईन करा। चला तर मित्रांनो सुरू करूया आजच्या स्पष्टीकरणाच्या व्हिडिओला। बघा, हे जे पेपर आहे तो पेपर आपल्याला कल्पना असल्याप्रमाणे हिंदी लँग्वेजमध्ये असल्या कारणाने मी जे आहे आता इथून पुढचे सर्व प्रश्न हिंदीमध्ये आहेत आणि त्याचं स्पष्टीकरण देखील हिंदीमध्येच देणार आहे। देखिए सवाल नंबर 121 देख लेते हम लोग। पौधों तथा जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होते हैं? अब चार ऑप्शन हमको दिए गए हैं, सेल्यूलोज एवं ग्लूकोज, स्टार्च एवं सेल्यूलोज, स्टार्च एवं ग्लूकोज, सेल्यूलोज एवं ग्लाइकोजन। पौधों का जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है? तो देखिए यहाँ पर जो सही जवाब रहेगा वो सही जवाब रहेगा दोस्तों सॉरी सी नंबर का, स्टार्च एवं ग्लूकोज। ठीक है, इसके बाद 122 नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग। वे अमाइनो अम्ल जिसका संश्लेषण मनुष्य शरीर द्वारा किया जाता है क्या कहलाते हैं? आवश्यक अमाइनो एसिड्स, अनावश्यक अमीनो अम्ल, संश्लेषित अमीनो अम्ल या फिर प्राकृतिक अमीनो अम्ल। ऐसा अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण जो है मनुष्य शरीर द्वारा किया जाता है, जिसका संश्लेषण किया जाता है, ऐसे वाले क्या होते हैं? बी नंबर का ऑप्शन हम लोग बोलेंगे, अनावश्यक अमाइनो अम्ल। ठीक है, इसके बाद 123 नंबर का सवाल है, निम्न में से भोजन में किसकी कमी से रात्रि अंधता नाइट ब्लाइंडनेस जिसे बोलेंगे वो होती है? प्रोटीन, वसाएं, विटामिन ए या फिर विटामिन सी। तो देखिए विटामिन ए की कमी की वजह से जो है हमें रात में दिखाई नहीं देता है या फिर हमें रात्रि अंधता रातांधता जिसको बोलेंगे वो हो जाता है। 24 नंबर, स्कूल के बाद रीना रोज सड़क के पास वाली दुकान से गोलगप्पे खाती है, एक सप्ताह बाद उसको तेज बुखार हो जाता है, उपरोक्त घटना का सही कारण क्या हो सकता है? अनहाइजीन फूड, मक्खियां एवं धूल युक्त खुला खाना, बिना धुले हुए खाद्य पदार्थ, कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र। अब इनमें से क्या? चार ऑप्शन हमको दिए गए, एवं बी, ए एवं डी, ए बी सी या फिर उपरोक्त जो है सभी के सभी सही हैं। तो देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि वो रास्ते के जो गोलगप्पे हैं वो अनहाइजीन फूड है, मक्खियां एवं धूल युक्त खुला खाना है और बिना धुले हुए खाद्य पदार्थ है। ये जो तीन ऑप्शंस है ये वाले तीनों ऑप्शन जो है इसका कारण हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सी ए बी सी तीनों। 125 नंबर देखिए, वाष्पीकरण की दर बढ़ती है सतह क्षेत्र बढ़ाने पर, ताप में वृद्धि से, आर्द्रता में कमी से या फिर इन सभी कारणों से। वाष्पीकरण की दर किस लिए बढ़ती है यह हमें सोचना पड़ेगा। तो देखिए वाष्पीकरण की जो दर है वो सतह क्षेत्र बढ़ाने पे या फिर ताप में वृद्धि होने से या फिर आर्द्रता में कमी होने से, तीनों भी वजह से जो है वो वाष्पीकरण की दर बढ़ती रहती है, इसलिए हम लोग बोलेंगे इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4। इन सभी से शुद्ध जल का जलनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत आसान है क्योंकि शुद्ध जल का जो जलनांक होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 127 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? नमक का घोल, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च विलयन, उपरोक्त सभी। क्या है, कौन सा टिंडल जो है प्रभाव को प्रदर्शित करेगा?
ऐसा पूछा गया है। तो स्टार्च को प्रभावी जो है स्टार्च विलयन के द्वारा प्रभाव प्रदर्शित हो सकता है। 128 नंबर, कौन सा आम्ल आम्ल पूछा है जो प्रतिरोधक क्षमता में सुधार के लिए प्रयुक्त तो होता है, नाइट्रिक आम्ल, एस्कॉर्बिक आम्ल, फॉर्मिक आम्ल या फिर लैक्टिक आम्ल, कौन सा होता है? ऐसा आम्ल जो प्रतिरोधन क्षमता में सुधार के लिए काम आता है वो होता है एस्कॉर्बिक आम्ल। ठीक है, एस्कॉर्बिक आम्ल। अगला सवाल 129 नंबर का, गुड़हल के पुष्प के सूचक को क्षारीय विलयन में मिलाने पर क्या होता है? क्षारीय विलयन हरा हो जाता है, क्षारीय विलयन जो है वो लाल हो जाता है। यहाँ पर पूछा गया हरा होता है, लाल होता है, नीला होता है या फिर इस पर जो है किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो देखिए, गुड़हल के पुष्पों को जो है सूचक को क्षारीय जल में मिलाने पर वो जो है हरे रंग का हो जाएगा, हरे रंग का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा। कौन सा शैवाल परजीवी परजीवी शैवाल, सिफिलिरोस, यूलोथ्रिक्स, सार्गाजम या फिर कारा? तो उसका सही जवाब है ए नंबर का ऑप्शन, सिल्युलोरोस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 131 नंबर का, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया पाई जाती है ग्रेना में, स्ट्रोमा में, अंत प्रद्रव्य जलिका में या कोशिका द्रव्य में, कहां पर पाई जाती है? तो देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया जो है वो ग्रेना में पाई जाती है, ग्रेना में। ठीक है, ग्रेना में पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग सवाल देखते हैं 132 नंबर का, 132 नंबर पे क्या पूछा है, मानव के आमाशय के दूरस्थ भाग को क्या कहते हैं, फंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक या आमाशय काय? क्या बोलेंगे, मानव के आमाशय के दूरस्थ भाग को क्या बोलेंगे? दूरस्थ भाग पूछा गया है, उसको पाइलोरिक बोले जाएगा, पाइलोरिक। एक शिशु सांस लेता है लगभग एक मिनट में कितनी बार, 26 बार, 52 बार, 72 बार या फिर 13 बार? एक मिनट में एक छोटा सा शिशु जो है वो कितनी बार जो है वो सांस लेगा? तो लगभग एवरेज जिसको बोलेंगे, औसतन जिसको बोलेंगे, 26 बार वो जो है सांस लेता रहेगा। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स की संख्या प्रति घन मिलीमीटर प्रति मानव में कितने मिलियन है, 5.5, 7, 8 या फिर 3 मिलियन, क्या रहेगा? तो आरबीसी की जो संख्या है प्रति घन मिलीमीटर प्रति मानव में जो है वो 5.5 यानी 5.5 मिलीमीटर प्रति मानव मिलियन है। ठीक है, पागल कुत्ते के काटने से एक विषाणुजन्य रोग फैलता है, इसे क्या बोलेंगे, रुबियोला, पोलियो, माइलिटिस, हाइड्रोफोबिया या फिर रुबेला? कौन सा वो जो रोग है जो कुत्ते के काटने से एक जो विषाणु निर्माण होता है उसके जरिए होता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग हाइड्रोफोबिया। ठीक है, पोलियो विषाणु का संक्रमण कहाँ होता है, सिसी मक्खी के काटने से, मच्छर के काटने से, भोजन तथा जल के संदूषण से या टीकाकरण से? पोलियो विषाणु का संक्रमण पूछा गया है, तो संक्रमण जो है भोजन तथा जल के संदूषण से होता है। खेल के मैदान में एक खिलाड़ी की गति तथा आकाश में पतंग की गति किस प्रकार की गति, रेखीय गति, यादृच्छिक गति, वृत्तीय गति या फिर आवर्ती गति? खेल के मैदान में एक खिलाड़ी की गति और आकाश में पतंग की गति दोनों एक से है, लेकिन वो कैसे है? तो जिसको हम लोग बोलेंगे कि आवृत्ति गति, आवृत्ति नहीं है, सॉरी, आवर्ती जिसको बोलेंगे, थोड़ा सा शब्द जो है एक सा लगता है। 138 नंबर, रॉकेट किस नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ऊष्मा संरक्षण के नियम पर, संवेग संरक्षण के नियम पर या फिर उपर्युक्त में से कोई भी जो है इसका सटीक जवाब नहीं है? तो देखिए, रॉकेट जो है वो ऊष्मा संरक्षण के नियम पर उड़ता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, सुमेलित करना है हमको यहाँ पर चार ऑप्शंस और उनके जो है सही सही जोड़ियां यहाँ पर दी गई, अब हमें जो है वो सही सही सा जो जवाब है वो देना पड़ेगा। देखिए, इसमें हम लोग बोलेंगे जो संवहन है
वो ऊष्मा संचरण के कारण ऊष्मीय पदार्थों में वास्तविक गति होती है जिसको बोलेंगे, या फिर हम लोग विकिरण जो है विकिरण बोलेंगे, ऊष्मा विद्युत चुंबकीय संचरण विकिरण के रूप में निकलती है। उसके बाद जो चालन है, चालन हम लोग बोलेंगे ऊष्मा संरचन के कारण अणुओं में संघट होता है, और ऊष्मा जो बच गया है ऊष्मा किसको बोलेंगे, ऊष्मा का संरचन वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। ठीक है, इस तरीके से हम जो है निम्न को सुमेलित कर देंगे। इसके बाद 140 नंबर देखिए, जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क को जाती है उस बिंदु को क्या बोलेंगे, पीत बिंदु, अंध बिंदु, नेत्र बिंदु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिस बिंदु को दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क को जाती है उस बिंदु को ना अंध बिंदु बोलेंगे, ना पीत बिंदु, ना नेत्र बिंदु, वो कोई और ही बिंदु होता है। ठीक है, चलिए, सोनार का उपयोग किस लिए होता है। सोनार का उपयोग, सोनार एक सिस्टम है, यदि आप कक्षा दसवीं का विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपको वो पता चल जाएगा, क्योंकि इसी के अंदर जो है ये सारी चीजें लिखी हुई है। अब सोनार क्या है, चार ऑप्शन है, पानी की सतह के अंदर स्थित वस्तुओं की दूरी दिशा व वेग ज्ञात करने में, हवा में स्थित वस्तुओं की दूरी दिशा व वेग ज्ञात करने में, पानी में स्थित वस्तुओं की केवल दूरी व दिशा ज्ञात करने में, या हवा में स्थित वस्तुओं की दिशा तथा वेग ज्ञात करने में। तो ये किस लिए होता है, तो देखिए पानी की सतह के अंदर स्थित वस्तुओं की दूरी दिशा व वेग ज्ञात करने के लिए ये जो सोनार है उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद 142 नंबर का जो सवाल है वो देखते हैं, वायुमंडलीय दाब के कारण गतिमान हवा कहलाती है क्या, समीर, वायु धारा, तूफान, या फिर इनमें से कोई नहीं। वायुमंडलीय दाब के कारण जो गतिमान हवा होती है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको दोस्तों जो है वो तूफान बोला जाता है। बहुत गतिमान ये हवा होती है जिसके कारण जो है बहुत बड़े बड़े जो घर है वो भी ढह जाते हैं। 143 नंबर, पृथ्वी की सतह पर स्थित वायु तथा समुद्र की सतह पर स्थित वायु में तापांतर के कारण निर्माण होता है क्या, तूफान, मानसून हवाओं का, बाढ़ का, उपरोक्त में से भी कोई नहीं। तो इसमें जो है वो उसमें बाढ़ निर्माण हो जाती, बाढ़ आ जाती, पृथ्वी की सतह पर स्थित वायु तथा समुद्र की सतह पर स्थित वायु में तापांतर के कारण जो है बाढ़ आ जाती है। 144 नंबर, सूर्य से बढ़ती दूरी के साथ स्थित ग्रहों का सही क्रम क्या है। अब जो है सूर्य से बढ़ती दूरी के साथ स्थित ग्रहों का क्रम हमें जो है वो पहचानना है, वो क्या है, सबसे पहले बुध है, उसके बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद शुक्र है, यानी हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए। चंद्रमा की सतह पर ध्वनि सुनाई नहीं देती, अब उसकी वजह पूछा गया है कि वहां पर जो है ध्वनि नहीं सुनाई देती, वहां जो है वो जीवन नहीं है, वहां कोई भौतिक माध्यम नहीं है, वहां बहुत से पहाड़ है, या वहां बहुत मोटे बहुत से टीले, क्या वजह है, तो उसकी वजह है वहां पर कोई भी भौतिक माध्यम नहीं होता है। चलिए, ओजोन परत के अपक्षय का कारण क्या होता है, CH4, CO2, NOx और SOx, या फिर CFC। ओजोन के परत का अपक्षय का कारण हमें पूछा गया है, तो उसका कारण जो है CH4। ठीक है, CH4। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल, 22 मार्च, 21 जून, या फिर 13 मई को। तो देखिए विश्व जल दिवस जो है वो अप्रैल के महीने में 22 तारीख को मनाया जाता है। इसके बाद 148 नंबर, किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को सर्वसम्मति से स्वीकार्य होने के लिए उसे उपर्युक्त डैश-डैश अथवा डैश-डैश कसौटी पर खड़ा उतरना ही पड़ता है, विश्वासों एवं मान्यताओं पर, प्रयोगों एवं निरीक्षणों पर, ज्ञान एवं उद्देश्य, मानवताओं मान्यताओं एवं उद्देश्यों पर, किस पर खरा उतरना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे उसे जो है किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को सर्वसम्मति से स्वीकार्य होने के लिए उसे उपर्युक्त ज्ञान अथवा उद्देश्य कसौटी पर खरा उतरना ही पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। 149 नंबर का सवाल, वैज्ञानिक पद्धतियों में निम्नलिखित में से किसका विशेष ध्यान रखा जाता है, वैधता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, या फिर वस्तुनिष्ठता। वैज्ञानिक अगर से पद्धति
का इस्तेमाल हमको करना है तो किस चीज़ का सबसे ज़्यादा उपयोग जो है वो किया जाता है या फिर किसका सबसे ज़्यादा जो है वो ध्यान रखा जाता है। तो देखिए इसका सही जवाब है उसकी वैधता और उसकी जो विश्वसनीयता है उसका। इसके बाद हम लोग बोलेंगे आखिर वाला जो सवाल है 150 नंबर का सवाल, विज्ञान शिक्षण का एक लक्ष्य क्या है? शिक्षण में आमूलचूल परिवर्तन ये भी हुए, तर्क शक्ति का विकास ये भी होगा, दैनिक जीवन की समस्याओं का हल ये भी, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि उपर्युक्त तो जितने भी ऑप्शन है वो सभी के सभी जो है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो है विज्ञान के जितने 30 सवाल थे उन 30 सवालों के जो जवाब है वो देख लिए। इस 30 में से आपका एग्जैक्टली जो स्कोर रहा है वो कितना रहा आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक भी कीजिए, और इसी तरीके के जो है और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारा जो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।